नमस्कार जोहार, मैं नीतिश्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करती हूं दूरदर्शन के शानदार कार्यक्रम में जिसका नाम है उभरते कलाकार। वो कहते हैं ना, इफ म्यूजिक इज लाइफ देन वायलिन इज इट्स सोल। तो आज आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद है एक वायलिनिस्ट। हमेशा हम आपको ऐसे कलाकारों से मिलवाते रहते हैं जिनमें टैलेंट तो काफ़ी है लेकिन अभी भी वो आपसे रूबरू नहीं हो पाए हैं। और आज के कड़ी में हम आपसे आपको मिलवाने वाले हैं एक वायलिनिस्ट से। शायद उभरते कलाकार में पहली बार एक वायलिनिस्ट आए हैं तो हम भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे इस शो का, क्योंकि वायलिन जो है वो सच में म्यूज़िक की सोल होती है। तो हम सबसे पहले स्वागत करते हैं मनीष जी का हमारे सेगमेंट पे। मनीष जी, मैं आपकी और आपकी पूरी टीम की इस शो पे स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए हैं। और सबसे पहले मेरे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि मनीष रॉय जी कौन है। जी, मेरा नाम हुआ मनीष कुमार रॉय और मैं रांची से हूँ, रांची पिठोरिया से। एंड मैं 10 सालों से वायलिन बजा रहा हूँ एंड मैं म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एंड फिलहाल अभी मैं रांची के म्यूज़िक इंडस्ट्री में एज अ कंपोज़र एंड लिरिसिस्ट काम कर रहा हूँ। जी, मैं जानकारी के लिए दर्शकों को बता दूं कि जो मनीष जी हैं उन्होंने म्यूज़िक की स्पेशलाइजेशन लाइक वायलिन में स्पेशलाइजेशन पढ़ाई की है। इन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स दोनों किया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो इस बात को सुनने के बाद मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ। तो सबसे पहले जो आपका पहला जो सॉन्ग आप प्ले करने वाले वो कौन सा है? ये मेरे मूवी का फर्स्ट रोमांटिक सॉन्ग है, इसका नाम है अभियुना तोय मोके। ओके, सो हाँ हाँ बिल्कुल। अगर हम आंख बंद करके सुने तो फिर एकदम आंखों में नमी ला देने की इसमें क्षमता है। आपने ये मतलब कब से आपने स्टार्ट किया ये सब चीज़ सीखना वायलिन बजाना? देखिए, शुरुआत मैंने अपने घर से ही की थी। मेरे पिताजी म्यूजिशियन हैं, मेरे फैमिली में ऑलमोस्ट सभी म्यूजिशियन हैं एंड आर्ट फील्ड से ही हैं। एंड शुरुआत पापा ने तबला सिखाने से शुरुआत की, तबला हारमोनियम वगैरह घर पे इंस्ट्रूमेंट्स थे तो वो सब सीखता ही रहता था। बट आफ्टर
आई थिंक सिक्स और सेवन्थ स्टैंडर्ड मैंने सीखना शुरू किया वायलिन। उन्होंने बोला कि सीखना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे पहले हम लोग राउरकेला के पास में रहते थे, मनोहरपुर बोल के एक जगह है, तो वहाँ से सुबह सुबह एक ट्रेन जाते थे, तो उसी ट्रेन से हम लोगों का जर्नी शुरू किया। वहीं से मैंने शुरुआत किया जाना। वहाँ पे वहाँ का रूटीन ऐसा था, वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग एक ही ट्रेन थी, उसी से जाना और उसी ट्रेन से शाम को वापस। तो वो उस समय में उस सालों के दौरान में कभी संडे मैंने कभी एज अ नॉर्मल स्टूडेंट की तरह कभी बिताया नहीं। मेरे संडेज़ में मेनली ट्रैवलिंग और म्यूज़िक क्लासेस के लिए ही स्पेंड करता था टाइम। आफ्टर दैट फिर आफ्टर दैट मेरे फादर के ट्रांसफ़र रांची हो गया, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से, फिर यहाँ से मैं जमशेदपुर जाके सीखना, आना जाना यहाँ से, फिर संडेज़ को मतलब रांची से आप जमशेदपुर जाते थे सीखने के लिए, स्पेशली वायलिन वायलिन सीखने, सीखने के लिए। मतलब इस क्या रीजन रहा कि आपने तबला और ये सब छोड़ के वायलिन को चूज किया? काफी कम लोगों को मैंने देखा है बजाते हुए वायलिन। पापा जो मेरे पिताजी हैं वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे सीखने के लिए, लेकिन उनके समय में यहाँ पे वैसे कोई टीचर या गुरु यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। सो जब हम लोग उस तरफ गए तो हमें लगा कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जाके सीखना, तो पापा बोले कि सीखना चाहिए, तो वहीं से शुरुआत किया सीखने का। एंड पापा मेरे खुद बहुत अच्छे कंपोज़र हैं, तो हाँ कंपोजिंग का शुरुआत मैंने उन्हीं से किया, पापा से ही। पापा मुझे सिखाते थे कि कैसे कंपोज़र का पर्सपेक्टिव होता है, कैसे एक लाइफ होता है, जो एक कंपोज़र अपने म्यूज़िक में उसको जीता है। तो वो सब बातें याद रहती थी हमेशा, और वही सब चीज़ें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती है। बट आफ्टर दैट जब मैं बनारस यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हमारे वायलिन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर वी बालाजी सर से हुई, जो मेरे गुरुजी हैं। फिर उनसे मैंने 5 साल की तालीम ली, एंड अभी भी तालीम चल ही रही है। एंड उनसे फिर मैंने फीलिंग्स को कैसे म्यूज़िक में यूज़ करना है, एंड जो कंपोज़र है उसका पर्सपेक्टिव कितना डीप होता है, कितना मायने रखता है, तो उस पर बातें होने लगी। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग था वहाँ का जर्नी मेरा। काफी आपकी बात सुनने लगा कि आप काफी हमेशा से मेहनती स्टूडेंट रहे हैं जी, अपने पूरे मेहनत तो जर्नी। सबको करनी ही हाँ चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो भैया आप जो नेक्स्ट जो प्ले करने वाले हैं वो कौन सा सॉन्ग होगा? ये मेरे फिल्म का ही एक डांस नंबर है, तो यहाँ के फोक, यहाँ का जो झारखंड का जो फोक म्यूज़िक है, सो उससे इंस्पायर होकर हमने ये बनाने की कोशिश की थी। ठीक। ई मेजर काफ़ी मतलब स्टार्टिंग वही पूरा समा बांधने के लिए काफ़ी है ये। डन डन बहुत अच्छा धुन आपने इस पकड़ी। गाने का नाम है मुर्गा नी पाले, यूट्यूब पे अवेलेबल है अगर आप सुनना बट चाहें तो। जैसा जैसा आपने कहा और ये हाँ जैसा धुन है बहुत डिफरेंट है गाना, जैसे दिमाग में आता है कि कुछ बहुत ज़्यादा बीट वाला गाना होगा। इंटरेस्टिंग। तो अभी लाइक आप कोई और सॉन्ग अपना प्ले करना चाहेंगे? देखिए फिल्म में टोटल 3 सॉन्ग्स थे, तो फिलहाल तो हमारे पास 3 ही सॉन्ग्स हाँ हैं। जो थर्ड सॉन्ग है वो पूरा कंप्लीट हमने किया नहीं था फिल्म के लिए, इट्स जस्ट अ हुक, तो वो भी मैं ट्राई हाँ करना चाहूँगा। ओके। Thank you.
जब जब से मैं आपका ये वायलन देख रही हूँ, मेरे दिमाग में एक गाना ऐसे राउंड एंड राउंड घूम रहा है, मैं बताऊँ आपको? जी जरूर। हाँ, ऊर्जा काले कामा, आपने सुना है वो गाना? गदर मूवी का। हाँ, गदर मूवी। क्या आप वो प्ले कर सकते हैं? जी जरूर, कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा अगर आपने सुना देते तो। ये ई मेजर। मेरे दर्शकों को भी मुझे लगता है कि काफ़ी ये जो आपकी धुन है, जो आपने बजाए, काफ़ी काफ़ी सिमिलर थी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जो जैसे कि आपने बताया कि आप किस तरीके से आपने सीखा, स्टार्ट किया, तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कुछ परेशानियाँ आपको फेस करनी पड़ी आपके इस जर्नी में? देखिए, जब जब वायलिन जब सीखना शुरू किया था, तो जहाँ पे हम लोग रहते थे, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत ही डिस्टर्ब था उस एरिया का। तो हम लोग के वहाँ पे सुबह में 5 बजे एक बस चलती थी, सुबह 5 बजे। तो उसके लिए 4 बजे सुबह में उठना पड़ता था, एंड उसके बाद सब नहा धोकर फ्रेश होकर उसके बाद जाना पड़ता था बस स्टैंड। एक ही बस रहती थी, तो उसी बस से जाना पड़ता था मनोहरपुर स्टेशन, एंड वहाँ से फिर ट्रेन पकड़ के जमशेदपुर, 4 घंटे का जर्नी करके, एंड वहाँ पर फिर वहाँ से फिर गुरुजी के घर जाने में 1.5-2 घंटा लग जाता था, और क्लास होती थी सिर्फ 1-1.5 घंटे के लिए, एंड फिर 3 बजे तक स्टेशन वापस आना होता था, एंड फिर 3 बजे की टाइमिंग रहती थी, फिर शाम को ट्रेन, सेम ट्रेन, टाटा एलएपी एक्सप्रेस उस ट्रेन का नाम था जी। तो उस ट्रेन से वापस आना, एंड फिर वही बस शाम को फिर पिक वापस आती थी, तो सब टाइम सेट था। तो पूरा 1-1.5 घंटे का क्लास के लिए पूरा दिन का समय जाता था। तो हर संडे को आपका ये क्लास रहता था? हर संडे को यही मेरा रूटीन था वहाँ पे। तो जब आप पहले, तो आपको इच्छा थी, मतलब जज्बा था कि मैं सीख लूँ, अब आप काफ़ी हद तक सीख चुके हैं, तो अब क्या कुछ परेशानियाँ फेस करनी पड़ती हैं आपको? देखिए, लर्निंग का प्रोसेस ऐसा है कि कभी भी एंड नहीं होता, हमेशा लाइफ टाइम चलते रहता है एजुकेशन। तो अभी जो गुरु जी से सीखा है, सीख रहे हैं अभी भी, तो उसी पर और जितना महीन काम हो सकता है, जितना फाइन काम हो सकता है, वो करने की कोशिश है अभी भी। अभी भी टाइम रूटीन ऐसा है कि दिन भर में आई थिंक 9 to 10 hours प्रैक्टिस डेली कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। आफ्टर दैट उसके बाद स्टूडियो वर्क, मिक्सिंग एंड ऑल, उसमें भी टाइम वगैरह जाता है, काफ़ी हेक्टिक हो जाता है डेली के लिए, लेकिन फिर भी एनी हाउ हम लोग करते हैं, वही लाइफ है हमारी, लाइफ का पार्ट है। तो इसमें भी मज़ा आता होगा? बहुत मज़ा आता है, मेनली म्यूज़िक कंपोजिंग के टाइम पे एंड जब जैमिंग के टाइम पे ही ज़्यादा मज़ा आता है। म्यूज़िक कहते हैं कि म्यूज़िक जो है संगत की चीज़ है, तो संगत जब दोस्त लोग सब एक म्यूज़िक वाले सब बैठते हैं, तो कुछ आइडियाज़ यू नो हम लोग एक्सचेंज करते हैं, एंड तो वो प्रोसेस काफ़ी मज़ा आता है। मेनली मुझे वो प्रोसेस इन्जॉय करता हूँ काफ़ी।
तो मनीष जी, आपने इतने सालों से प्रैक्टिस की है, तो कोई एक गाना, कोई एक धुन तो ऐसा होगा जो आपके दिल के बहुत करीब होगा? जी, एक गाना है मेरे महबूब, जो आप हमारे दर्शकों को सुना सके। जी, वो मुझे काफ़ी बहुत पसंद है, बहुत पसंद इन है। दिनों मैं काफ़ी सुन रहा हूँ उस गाने को। ठीक है, तो थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए अगर आप अपनी फेवरेट धुन को बजा देंगे तो मज़ा आ जाएगा। मैंने नोटिस की कि जब आप सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, ठीक है, आप पूरे फ्लो में हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है जब आप वो जब वायलिन के ऊपर आपका जो स्ट्रिंग जो आप स्टिक से कर रहे हैं वो देखने में बहुत सूदिंग लग रहा है। थैंक यू। मतलब ये कुछ इसके पीछे कुछ है कि सबको, मतलब उस वहाँ से नज़र नहीं हट रही है? देखिए, कहते हैं कि एक अच्छा म्यूजिशियन, एक अच्छे आर्टिस्ट की वो क्वालिटी होती है कि वो अपने ऑडियंस को जाने ना दे। तो अगर वो अगर एनी हाउ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इसका क्रेडिट अपने गुरुजी को एंड अपने पेरेंट्स को ही दूंगा कि उनके उनके मेहनत के वजह से, उनके सपोर्ट के वजह से मैं जो भी हूँ आज आप लोगों के समक्ष बैठा हूँ और आप लोगों से बातचीत हो रही है। अभी आप कंपोजिंग भी करते हैं जैसे कि मनीष जी आपने बताया, तो लिरिक्स अभी आप लिखते हैं या उसको भी कुछ? थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, मेनली कंपोजिंग पे ही मेन फोकस ज़्यादा रहता है। कंपोजिंग पे, तो साथ में मतलब जो अलग अलग टाइप के म्यूज़िक आप वॉयलिन से निकालते हैं, तो वॉयलिन के अलावा और भी कुछ आप प्ले करते हैं या फिर सिर्फ वॉयलिन हो गया, की पियानो हो गया, तबला, हारमोनियम? तो एक और गाना मेरे जहन में आ रहा है, कोशिश करूँगा। एक आपने गाना सुना होगा 90s में, काफ़ी फेमस था, ज़रा ज़रा। जी, ज़रा ज़रा। उसका भी जो इंस्ट्रूमेंटल है वो काफ़ी काफ़ी अच्छा होता है, तो क्या वो यहाँ पे भी प्ले हो सकता है? जी, मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे म्यूजिशियन। ठीक है, thank you.
अमेजिंग, आई डोंट हैव वर्ड्स कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ. ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट गाना है और बहुत सारे लोगों के गाना पसंद है, मुझे भी खास करके. और जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया है ना, सच में इसने एकदम एकदम दिल को जीत लिया है. थैंक यू सो मच. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप आगे जो फ्यूचर में जो क्या क्या कुछ आपके प्लान है, कि आप वॉलिन को लेके क्या कुछ करना चाहते हैं. मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट झारखंड के लोक संगीत में ज़्यादा है, फोक म्यूज़िक में यहाँ के, क्योंकि यहाँ के म्यूज़िक में काफ़ी पोटेंशियल है. ग्लोबल सिनेमा में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, एंड मेरा फोकस मेनली अभी फ़िलहाल उसी पर है कि यहाँ के म्यूज़िक को और पॉपुलर करना एंड दूर दूर तक पहुँचाना है, अच्छे ऑडियंस तक पहुँचाना है. एंड जो म्यूज़िक है यहाँ पे जो ट्राइबल कल्चर है यहाँ पे झारखंड में, तो ट्राइबल कल्चर में एक, आप अगर आप नोटिस करेंगे उनमें एक क्वालिटी बहुत अच्छी है कि वो लोग एक एक साथ रहने की बात करते हैं. मतलब एक ट्राइब की एक होता है ना कि वो अपने ट्राइब को एक साथ लेके चलते हैं, तो हम वो आइडियोलॉजी हम आई थिंक आज के टाइम पे सबको फॉलो करनी चाहिए कि हम लोग सब एक ही फैमिली के हैं, एक ही यू नो कल्चर के, एक ही कल्चर के हैं, एंड वो आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी है. तो मेरा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा अभी ट्राइबल म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक पर ज़्यादा है झारखंड के. तो कोई एक फोक म्यूजिक का आप एग्जांपल हमें सुना दीजिए फिर. एक सॉन्ग है, ये हम लोग जब बचपन में छोटे थे तब हम लोग सुनते थे. वही है शादी कराई दे जोड़ी चमेली, काफी जब हम लोग छोटे थे तो ये गाना काफी पॉपुलर हुआ था. तो आप छोटे थे नहीं, अभी भी ये गाना काफी पॉपुलर है, सुनने में आता है. आप लाइक एक बस अगर आप चंद शब्दों में इस सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा कि बाकी जितने भी फोक जो सॉन्ग्स होते हैं उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो काफी ट्रेडिशनल रहते हैं और ये थोड़ा सा वेस्टर्न फॉर्म में है, तो उसको कैसे आप देखते हैं. देखिए ग्लोबल जाने के लिए हमें ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ करना पड़ेगा, है ना. तो अगर हम लोग बाहर के टेक्नोलॉजी बाहर की हो और इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ के हो, तो यूजुअली जब जैसे मेरे घर के जो मेरे जूनियर्स मेरे स्कूल के अभी भी साथ में, सबके सब साथ में रहते, तो वो लोग आते हैं शाम को सुनने वगैरह के लिए, तो वो लोग जब भी आते तो वो लोग ये नहीं बोलते कि भैया बॉलीवुड कुछ सुनाइए या फिर ये सुनाइए, वो लोग बोलते भैया हम लोग को यहाँ का रीजनल म्यूज़िक कुछ सुनाइए. तो उन लोग बोलते हैं कि उन लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस टाइप का म्यूज़िक वायलिन में या पियानो में अगर सुनेंगे हम लोग, तो हम लोग सुन के ऐसा क्या बोलते रिएक्शन हम लोग को मिल सकता है. तो वो लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं वो लोग इस बात को, और उन लोग के लिए भी अच्छा है. जितना ज़्यादा न्यू ऑडियंस जितना माइंड को ब्रॉड करेंगे, पर्सपेक्टिव को ब्रॉड करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग का म्यूज़िक और ग्रो कर पाएगा. आपके थॉट्स जो हैं, आपकी जो एम है वो काफ़ी अच्छी है, और साथ साथ में आपने इतना अच्छा प्ले किया और हर्ष जी ने भी इतना अच्छा प्ले किया साथ में. थैंक यू सो मच आपने अपना समय दिया हमारे शो पर आए, और हम आशा करते हैं कि आपका भविष्य जो है काफ़ी उज्जवल हो. तो दर्शकों आज आपने देखा कितना सुंदर आज का प्रोग्राम हुआ है, इतने सुंदर धुन हमने आपको सुनाए हैं. अगर आपको ऐसे ही कलाकारों से मिलना पसंद है तो आप YouTube पे जा कर के हमारे चैनल डीडी झारखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसे कंटेंट हम डालते रहते हैं. और अगली बार भी हम ऐसे किसी कलाकार को आपसे मिलवाएंगे. तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, धन्यवाद.